जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार सभी मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि मैं आपके साथ जुड़ जाऊं। देवेंद्र जोशी भाई साहब को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं जी सबसे पहले तो मैं जन सरोकार मंच टोंक का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे नाचीज को आपने आपके पेज पर जगह दी। देवेंद्र जी भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद और जन सरोकार मंच की सभी टीम को मेरा तहे दिल से प्रणाम। मैं वैभव चोपड़ा, मेरा गांव झीराना तहसील पीपलू है और मैं टोंक के अंदर हाउसिंग बोर्ड के अंदर रहता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है रक्तदान क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रक्तदान ही एक ऐसा दान है जिसको देने के बाद अपने अंदर या अपने पास कोई कमी नहीं है। ये एक ऐसा दान है जो कभी खत्म नहीं होता। जितना दान दे सकते हैं, जितना दान कर सकते हैं, उतना दान हम रक्तदान के माध्यम से कर सकते हैं, तभी इसे महादान कहा गया है। ये एक ऐसा दान है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बचती है, लोगों की खुशहाली वापस आती है, घर में खुशियां लौटती है, परिवार में खुशियां लौटती है। रक्तदान को महादान इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसके थ्रू अपन एक के जिंदगी नहीं, हम एक यूनिट ब्लड से तीन तीन जिंदगियां बचा सकते हैं। रक्तदान क्यों जरूरी है? रक्तदान के कई माध्यम हैं। हम किसी के थ्रू, जैसे ब्लड बैंक है, हम ब्लड बैंक में जाते हैं, देखते हैं, आए दिन केसेज आते हैं, एक्सीडेंटल केसेज होते हैं, डिलीवरी केसेज होते हैं, इनके अंदर इमरजेंसी में केस ब्लड की जरूरत पड़ती है। बहुत माइन मतलब मेजर सर्जरीज होती है जिसके अंदर एक यूनिट नहीं बल्कि तीन तीन यूनिट भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी बात, रक्तदान हर आदमी कर सकता है जो कि एलिजिबल है, जैसे कि 18 साल उसकी एज ग्रुप होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए और मिनिमम 50 किलो उसका वेट होना चाहिए, वो इस दान में भागीदारी निभा सकता है। अगर उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज ना हो, कोई अलग से कोई बीमारी ना हो, तो रक्तदान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम एक छोटी सी चीज से इतनी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी खुशी किसी परिवार को दे सकते हैं, किसी परिवार के चिराग को बचा सकते हैं, किसी माँ के बेटे को बचा सकते हैं, किसी बेटी के पिता को बचा सकते हैं या किसी की माँ को बचा सकते हैं। लोग आए दिन डोनेट करते हैं, पैसे डोनेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डोनेट करते हैं। उसमें यह है कि अपना भी कुछ जा रहा है कि जैसे पैसे डोनेट कर रहे हैं तो अपने पास पैसे कम हो रहे हैं, हालांकि मानता हूं कि बहुत सारे पास इतने पैसे हैं कि वो खूब डोनेट कर सकते हैं, लेकिन रक्तदान जो दान है वो कभी खत्म नहीं होगा। आप आज डोनेट कीजिए ब्लड, 3 महीने बाद वापस डोनेट कीजिए। सबसे बड़ी बात कि इसमें दूसरे का तो फायदा है ही सही, जैसे कि अपन किसी की जिंदगी बचा रहे हैं या किसी के परिवार की जिंदगी बचा रहे हैं, किसी की जान बचा रहे हैं अपने एक यूनिट से, तो उसको तो फायदा हो रहा है, उसकी जिंदगी बच रही है, लेकिन इससे अपने को भी फायदा है जो ब्लड डोनेशन करे। आपको ब्लड डोनेशन के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन करना है आप जरूर कमेंट में कीजिए, मैं जहां तक कोशिश होगी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। हालांकि इंडिया के अंदर लगभग लगभग 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़
बेड यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है पर ईयर, हर साल 4 करोड़ के लगभग ब्लड यूनिट की रिक्वायरमेंट आती है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर शायद 50 या 60 लाख के लगभग ब्लड मिल पाता है। वो क्यों, मतलब जो बचे हुए लोगों का क्या होता है? जी आप सही सोच रहे हो, अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो उनकी जान जाएगी और वो जाती है। आप इंडिया लेवल पे मत जाइए, आप टोंक के लेवल पे आइए। टोंक के अंदर आए दिन थैलेसीमिया केस होता है, बच्चों के अंदर बार बार ब्लड चढ़ता है, एक्सीडेंटल केसेज आते हैं, डिलीवरी केसेज आते हैं, सर्जरीज होती है। टोंक के अंदर 5-7 हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो मरीज आते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन टोंक के अंदर भी वो पूर्ति नहीं हो पाती पूरे ब्लड की, ब्लड की वजह से टोंक वाले मरीज परेशान होते हैं, जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं, वहां पे भी उनको ब्लड नहीं मिल पाता। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि जागरूकता नहीं है। खुद फैमिली वाला इंसान, खुद फैमिली मेंबर्स अपने फैमिली मेंबर्स को ब्लड नहीं देता। वो क्यों नहीं देता? वो जागरूकता की वजह से नहीं देता। सब क्या सोचते हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आएगी, अपने अंदर कोई बीमारी आएगी, अपना इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा, बट ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये जागरूकता का अभाव की वजह से ये चीज़ें सामने आती। हम और हमारे सभी भाई लोग आप सभी के सहयोग से इस ब्लड की पूर्ति करने के लिए एक छोटी सी टीम चलाते हैं जिसका नाम, और ये आज तक कार्यरत है टोंक जिले के अंदर, और इसकी कई शाखाएं जयपुर में भी है, कोटा में भी है, अजमेर में भी है, भीलवाड़ा में भी है और दिल्ली में भी। हम जहां तक कोशिश होती है आपके सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, हम जितनी कोशिश हो सकती है हम वहां ब्लड का अरेंज करवाते हैं। लेकिन हमारे करने से ब्लड का जी, दीपक कुमार जी जी दीपक कुमार जी रक्तदान वर्तमान में प्रचलन से है में है, पर मुझे इस दान किए गए रक्त का उपयोग किया किस प्रकार होता है? जी मैं बता देना चाहता हूं आपको, जैसे कि आप वॉलेंट्री डोनेशन करने जाते हैं, दीपक जी आप खुद ब्लड बैंक जाते हैं और आपने स्वेच्छा से किसी पेशेंट को ब्लड नहीं दिया और आप रक्तदान करते हैं ब्लड बैंक में जाकर, ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान करते हैं, आपके सबसे पहले तो ये है कि सारे टेस्ट किए जाएंगे, आपका वेट वेट सब जो भी आपका मापन होगा सब किया जाएगा, आपका ब्लड लिया जाएगा और आपको एक येलो कार्ड, जो कि टोंक ब्लड बैंक की बात बता रहा हूँ, ऐसा सभी ब्लड बैंक में होता है, एक कार्ड दिया जाएगा जो कि 6 महीने एलिजिबल रहेगा। 6 महीने तक आप दीपक जी उस कार्ड को यूज़ में ले सकते हो, आप किसी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज़ में ले सकते हो, या किसी परिचित के लिए यूज़ में ले सकते हो, या फिर अननोन पर्सन के लिए आप उस कार्ड को यूज़ में ले सकते हो। ये दीपक, इसके अलावा कुछ आपको? अच्छा नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा कि खासकर तब जब कोई गरीब, बेहद गरीब को रक्त की जरूरत हो। हाँ जी मैम, जैसे गरीब का यहाँ कोई रोल नहीं है, ना तो गरीब का रोल है और ना ही अमीर का रोल है दीपक जी। अगर जिसको ब्लड की जरूरत है उसमें ना गरीब देखा जाता है और ना अमीर देखा जाता है, बस एक जगह ये बात आती है कि अमीर पैसों में ब्लड डोनेशन करवा लेते हैं और गरीब पैसों में डोनेशन नहीं करवा पाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर वास्तव में वो गरीब है, वो पैसों में भी अरेंज नहीं करवा पाता, मैं तो ये कहता हूँ कि ब्लड डोनेशन में पैसे नहीं देने चाहिए, हमें आदमियों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई अगर मजबूर है और वो ब्लड बैंक जाता है और उसके लिए ब्लड का अरेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो गरीब है तो उसकी फैमिली में ट्राई कीजिए। अगर वो गरीब है तो खुद अगर डोनेशन करने लायक है, उसकी सेहत ब्लड डोनेशन करने लायक है, तो खुद डोनेशन कीजिए, खुद डोनेशन करेगा। अगर वो खुद लायक नहीं है तो उसकी फैमिली मेंबर से करवाएगा। अगर फैमिली मेंबर्स भी नहीं है तो, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो ब्लड की वजह से उसको मरने दिया जाएगा, लेकिन जहां तक होता है हमारी जैसी टीम, जो कि भगत सिंह जीवनदाता टीम है, वैसी कई टीमें राजस्थान के अंदर चल रही है, वो उनकी मदद करवाती, बिल्कुल निःशुल्क मदद करवाती है। हमारे जैसे भाई रात दिन 24 घंटे तैयार रहते हैं ऐसे काम के लिए।
तो और कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा दीपक जी। अभी फिलहाल यही एक इम्पोर्टेंट बात है कि गरीब और अमीर ब्लड डोनेशन में नहीं देखा जाता। अगर गरीब पेशेंट है तो उसकी फैमिली में से डोनेशन करवाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था भगत सिंह जीवनदाता टीम के बारे में। ये हालांकि टोंक के अंदर 15 अगस्त 2018 से स्टार्ट हुई थी। ये उनके लिए काम करती है जिसको ब्लड की जरूरत है। ब्लड के अलावा भी अगर किसी को असमर्थ हो रहा है किसी चीज के लिए, वो ऐसी बीमारी से या ऐसी स्थिति से जूझ रहा है जो हालांकि वो खुद सॉल्व नहीं कर सकता, उसमें भी ये टीम कार्य करती है। लेकिन जो मेन मोटो है वो है इसका ब्लड डोनेशन। टोंक के अंदर आए दिन ऐसे केसेस आते हैं जो कि ब्लड का अरेंजमेंट नहीं करवा पाते, हालांकि उनके पास ब्लड डोनेशन के लिए आदमी भी होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं। टोंक एक ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता है ज़्यादातर, तो यहाँ पे खान पीन अच्छा है लोगों का, तो सेहत भी लगभग लगभग यहाँ के लोगों की अच्छी है। बस यहाँ पे एक कमी है, तो वो है जागरूकता की, एजुकेशन की, सोच की। तो हम उनके लिए करते हैं जिनको जरूरत होती है। जरूरत हर इंसान को होती है, लेकिन हम उनके लिए हैं जिनको वास्तव में जरूरत है। किस प्रकार से? जिनके पास ब्लड डोनर नहीं है, हम उनके लिए तैयार खड़े हैं। जिनके पास कोई ब्लड ग्रुप नहीं, मींस फैमिली मेंबर्स तैयार है ब्लड डोनेशन करने के लिए, लेकिन ब्लड बैंक में वो ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है जो कि उनको जरूरत है। वो और ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले पा रहे क्योंकि वहाँ ब्लड बैंक में उनकी जरूरत अनुसार ब्लड ब्लड ग्रुप नहीं मिल पा रहा, वो हम अवेलेबल करवाते हैं। दूसरी बात, कोई एक्सीडेंटल केसेज आ गया जिसका कोई नहीं आऊँ, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो उसके साथ कोई नहीं होता, तो उसके साथ कौन देगा? इमरजेंसी में उसकी सहायता की जाती है। दूसरी बात, उनके लिए जो कि मेजर ऑपरेशन चल रहा है और यूनिट चाहिए 5 या 6 या 7 या 8 लगभग लगभग, तो फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं कि 3 यूनिट दे देते हैं, 2 यूनिट दे देते हैं, एक फैमिली में से 4 यूनिट हो जाते हैं, लेकिन आगे की यूनिट का क्या? वो कहाँ जाए? उनके लिए हम हैं, हमारी टीम है, हमारे भाई है। आप सभी के सहयोग से हम उनकी हेल्प करते हैं और 4 यूनिट के बाद जितना भी यूनिट चाहिए होता है वो हम अवेलेबल करवाते हैं और उनकी जरूरत पूरी करते हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट में टाइप कीजिएगा, जितनी कोशिश हो सकेगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि ये चैलेंज मान लीजिए, इनको टास्क मान लीजिए आप, लेकिन उनको बताना है हमें कि रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान क्यों जरूरी है। रक्तदान से पेशेंट को ही नहीं खुद को भी इतना फायदा है कि आप सोच नहीं सकते। पहली बात तो ये बताता हूँ मैं आपको, टास्क क्या क्या आते हैं। सबसे पहले फैमिली मेम्बर से देना नहीं चाहते, हमारे पास ऑन कॉल आता है या फिर हमारे कोई मेंबर्स के पास कॉल आते हैं या किसी अननोन पर्सन का हमारे पास कॉल आता है किसी भी मेंबर्स के पास, वो हम सब मिलकर हमारे ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आते हैं कि ये ब्लड ग्रुप चाहिए, इस पेशेंट को चाहिए, देने वाला कोई नहीं है। फिर हम या हमारा मेंबर, जो भी हमारे मेंबर्स जो कि ब्लड बैंक के नज़दीक होता है, वो ब्लड बैंक पहुंचता है और केस को वेरीफाई करता है। केस को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम पेशेंट के पास जाते हैं, सबसे पहले पेशेंट देखते हैं। दूसरी बात, पेशेंट की कंडीशन उसके फॉर्म या डॉक्यूमेंट से देखते हैं, उसका HB लेवल देखते हैं। दूसरी बात, उसके बाद हम देखते हैं कि कितने यूनिट की आवश्यकता है। फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि हमारे पास डोनर नहीं है, हम बोलते हैं कि अगर लेडीज से शादीशुदा है तो इसका हस्बैंड कहाँ है, इसके भाई कहाँ है। दूसरी बात, कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उसके बेटे कहाँ है, उसके नाते पोते कहाँ है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भैया मैं तो पहली बार डोनेशन कर रहा हूँ और मैं पहली बार ही हूँ, कभी दिया नहीं, डर लगता है। तो वो डर क्यों लग रहा है? ये जागरूकता की वजह से। इसीलिए आज इस टॉपिक पे बात की जा रही है कि रक्तदान क्यों जरूरी है। हालांकि हर आदमी का हर चीज करना फर्स्ट बार ही होता है। आप स्कूल जाते हो, पहली बार जाना पड़ेगा। आप कुछ कहीं जाते हो, फर्स्ट टाइम होता है। आप कुछ खाना खाते हो, फर्स्ट टाइम खाते हो, स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम से होती है। ऐसा ही ब्लड डोनेशन के अंदर है।
लेकिन बहुत सारे अपनी माँ को नहीं देते, पिताजी को नहीं देते, अपनी वाइफ तक को भी ब्लड नहीं देते। वो क्यों? वो जागरूकता एजुकेशन की कमी की वजह से हो रहा है। हम उसे भी दूर करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें यह भी बोले जाता है कि आपके सामने आपसे भी कमजोर व्यक्ति ब्लड डोनेशन करके जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, तो आप क्यों डर रहे हैं? बहुत सारे मानते हैं, बहुत सारे पैसों में खरीदते हैं, बट ये गलत है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अगर कोई रेयर ब्लड ग्रुप है, आप 50,000 भी दे दोगे तो भी वो ब्लड बैंक में नहीं मिलेगा, और ब्लड डोनेशन करने वाला नहीं आएगा तो 50,000 भी वेट जाएंगे। हाँ, आप अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो ये संभवत है कि कोई भी देख के कि यार भाई साहब आपने कर दिया तो मैं भी करने के लिए तैयार। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको रक्तदान के फायदे। रक्तदान करने के फायदे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फायदा, जो कहीं गुना पैसे कमाने से भी ज्यादा खुशी देता है, वो है रक्तदान करने से खुशी मिलना। जो खुशियां मिलती है रक्तदान करने से, वो कहीं गुना पैसा कमाने से भी नहीं मिलती। आप किसी की जिंदगी बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करते हैं और रक्तदान करते हैं और किसी की जिंदगी बचा पाते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए लाइफ में हो ही नहीं सकती। उसकी फैमिली के लिए आपसे बड़ा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके एक छोटे से रक्त। अच्छा मोहित जी, रक्तदान शिविर आयोजन किस प्रक्रिया से आपका समूह आयोजन करता है और किस कैसे लोग आपसे जुड़ते हैं? चलो मैं बता देता हूं, रक्तदान शिविर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किस प्रक्रिया से होता है। देखिए, हम सबसे पहले ये करते हैं कि जैसे कि हमने डेट डिसाइड कर ली, 10 दिन बात की या महीने भर बात की कि इस दिन हमें रक्तदान शिविर आयोजन करवाना, तो हम सबसे पहले हमारे जो टीम के सीनियर मेंबर्स है उनसे बात करते हैं, फिर हमारे नए जो जुड़े हैं मेंबर्स उनसे बात करते हैं। जी मोहित जी, तो हम सब मेंबर्स एक ग्रुप में बात करते हैं, कॉल पर बात होती है कि हमें ये करना है। तीसरी बात, हम एक जगह बैठ के मीटिंग करते हैं कि कैसे ब्लड डोनेशन करवाना है, क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए डोनर्स के लिए। हालांकि अभी कोरोना काल है तो इसमें कैंप हमने लगाए हैं, पर इतना बड़ा कैंप हम आयोजित नहीं कर पाए जो कि हमें करना चाहिए था। वो क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमें छोटे छोटे कैंप 11, 11, 21, 21 5-5 यूनिट के कैंप भी हमें करने पड़े थे कोरोना काल के अंदर। तो हम सभी को कॉल करते हैं कि भाई आज के इतने दिन बाद ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, उसमें आपको आना है, सादर आमंत्रित है। हम जाते हैं ब्लड बैंक, पीएमओ सर से बात करते हैं और पीएमओ सर को हम एक एप्लीकेशन फॉर्म टाइप करते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक शिविर का आयोजन करवाना चाहते हैं और पूरी सेफ्टी के साथ हम इस कैंप का आयोजन करवाना चाहते हैं। गवर्नमेंट से आदेश आने के बाद हम एक अच्छी सी जगह जो कि वातानुकूलित होनी चाहिए और सिटिंग व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, ब्लड डोनेशन बेड प्रॉपर होने चाहिए, इन्फेक्शन का कोई खतरा ना हो उसकी वजह से प्रॉपर सैनिटाइजिंग और ये सब करते हैं, उसके बाद ही हम डोनर्स को बेड पे लेटा कर डोनेशन करवाते हैं। दूसरी बात, हमसे लोग कैसे जुड़ते हैं? लोग हमसे इस प्रकार से जुड़ते हैं कि टीम बहुत सारी है, मैं मेरी टीम के लिए नहीं कह रहा, मैं तो ओनली मेरा जो विचार है, हमारी जो टीम का विचार है उस टाइम बताना चाहूंगा। हमारे जो डोनर्स है, हमारे जो टीम मेंबर्स है, वो सब पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे पोस्ट जाती है, और लोग हमसे मोटिवेट होते हैं कि यार ये आदमी ब्लड डोनेशन कर सकता है जिसका वेट मेरे से कम है, तो मैं क्यों नहीं। तो वो आदमी हमसे कॉन्टेक्ट करता है या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, ब्लड ग्रुप एंड गांव है उसका एड्रेस का पता लिखता है, हम उसे जोड़ते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं टीम के अंदर, और वो हमसे हमारे परिवार में एक छोटे से परिवार के अंदर वो हमारा सदस्य हो जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप पता नहीं होता, हम उसकी टेस्ट करवाते हैं और ब्लड ग्रुप के तहत ही उसको नंबर जो कि कॉन्टेक्ट नंबर है उसके आगे एड कर देते हैं ब्लड ग्रुप, ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि ब्लड ग्रुप का कौन सा बंदा हमारे पास तैयार है। हमारे टोंक के अंदर शायद 300-400 आदमी कार्यरत है। धन्यवाद मोहित जी। हाँ,
तो मैं बताना चाहूंगा, टास्क के बारे में आपको बता दिया, फायदे क्या क्या होते हैं वो बताता हूं। सबसे पहले आप ब्लड डोनेशन के लिए सोच रखे, दूसरी बात आप ब्लड डोनेशन करने गए, तीसरी बात सबसे बड़ा फायदा है आपकी मानसिकता इतनी अच्छी हो जाती है, आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है अगर आप ब्लड डोनेशन करते हो और किसी की जिंदगी बचाते हो। आप वो मोमेंट याद कीजिएगा जब आप में से बहुत सारे ने ब्लड डोनेशन किया है, फैमिली के सामने आपने ब्लड डोनेशन किया है और आप ब्लड डोनेशन करते हैं, उस टाइम फैमिली की जो गतिविधियां होती है, आपके प्रति जो सोच होती है, उस सोच को याद कीजिए कि आपको कितनी खुशी हुई होगी। ब्लड डोनेशन करते टाइम जब फैमिली मेंबर्स वहां रहते हैं और फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं कि भगवान आपका भला करे, आपको हर खुशी मिले, वो मोमेंट इतना प्यारा होता है कि कितने भी पैसे कमा लो वो बात कोई नहीं कहेगा आपको। आप कुछ भी कर लो, किसी के लिए कुछ भी कर लो, कुछ ये वर्ड किसी के मुंह से नहीं निकलेंगे, लेकिन जो बिना स्वार्थ के जो ये वर्ड निकलते हैं ये ओनली ब्लड डोनेशन की वजह से निकलते हैं और ये निकलते हैं ब्लड बैंक में, करके देखना अच्छा लगता है। दूसरी बात, दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूं कि हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां होती है, सबसे ज्यादा मेजर बीमारी हार्ट अटैक यही होती है, कैंसर लगभग लगभग, तो हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। ब्लड डोनेशन करने से हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 यूनिट 450 ml, तो 350 ml ही ब्लड लिया जाता है, ठीक है, तो जो 350 ml है वो ही आपका एक यूनिट लिया जाएगा, ठीक है, तो 350 ml आपकी बॉडी में से निकला तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे हुआ, थक्का कम बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपका ब्लड पतला होगा जिससे कि थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया, तो आपके हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। तीसरी बात, आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है, आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। वो क्यों होता है वो भी आपको मैं बताता हूं कि अगर आपकी आरबीसीज जो कि ओल्ड आरबीसीज है वो बाहर निकलती है ब्लड के थ्रू, ठीक है, नई आरबीसीज जो कि बोन मेरो तैयार करता है, आरबीसीज मीन्स ब्लड ही तैयार करता है पूरा, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, पूरा ब्लड जिसे अस्थि मज्जा, आई थिंक अस्थि मज्जा कहा जाता है, जो कि बोन मेरो होता है, वो निर्माण करता है उनका, तो वो नई आरबीसी नई ब्लड का निर्माण करेगा, तो एक नई चीज अगर अपने शरीर में होती है तो अपनी इम्यून सिस्टम अच्छा वर्क करेगा, तो अपना इम्यून सिस्टम अच्छा वर्क करेगा तो अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी होगी, हमें छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में आसानी होगी, ठीक है, ये होता है इम्यून सिस्टम का फर्क। अब अपनी अगली बीमारी के बारे में बताता हूँ कि हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती है। तीसरी बात, कैंसर की संभावनाएं भी कम हो जाती है, क्योंकि कैंसर किस वजह से होता है कि अगर अपने बॉडी के अंदर आयरन का अपनी बॉडी में जो आयरन की मात्रा होती है वो इंक्रीज हो जाती है जिससे कि कैंसर का खतरा बढ़ता है। अब ब्लड डोनेशन करेंगे अपन तो अपना आयरन ब्लड डोनेशन के थ्रू बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो ब्लड डोनेशन के अंदर से एक सेकेंड सर कॉल आ रहा है।